तो अब हम लोग बात करते हैं डेटा फ्रेम की। डेटा फ्रेम देखो सीधा सा, अभी जैसे हमने बताया था कि रोज और कॉलम जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन वन हो, ठीक है। इसका साइज म्यूटेबल होता है। साइज म्यूटेबल का मतलब समझिए, तो 2 × 4 है तो 4 × 2 भी कर सकते हो, ठीक। और जैसे हम लोगों ने इंट्रो सेक्शन में किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा फ्रेम पे लागू होती हैं, ठीक है। अब देखो डेटा फ्रेम बनाने के देखो कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब एक जो बेसिक जैसे सिंटेक्स होता है उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है बस। वो ऐड क्या होती है, जैसे वहाँ पे हम, यहाँ पे क्या है, पीजी डॉट डेटा फ्रेम, ये तो भाई सीधी सी बात है, ठीक। पीजी डॉट डेटा फ्रेम हुआ। अब पीजी डॉट डेटा फ्रेम के बाद आपको क्या करना है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, डेटा देखा था, इंडेक्स देखा था, ठीक है। और क्या देखा था हमने, हमने डेटा टाइप देखा था कि टाइप अगर बदलना है तो, और कॉपी कहीं करना है तो। एक इसमें चीज ऐड हो जाती है, कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब कॉलम्स ऐड हो जाने का मतलब क्या हुआ कि भाई अब इन उसमें क्या था कि डेटा आपको एक ही लाइन में मिल रहा था तो उसकी इंडेक्सिंग कर ले रहे थे आप। यहाँ कॉलम भी मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉलम का नाम भी तो चाहिए, ठीक है। और डेटा टाइप आपको समझ में आ ही रहा है कि हर कॉलम का डेटा टाइप आप बदल सकते हो। दूसरा चीज है कि भाई कहीं कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो। डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, ये भी फॉल्स होता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से पहले, एक डेटा फ्रेम बनाने से पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है। हम एक काम ये करते हैं कि हम पहले एक जो पहले से कर रहे हैं कि एक बार जो है एम्प्टी डेटा फ्रेम बना के देख लेते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि डेटा फ्रेम के लिए डीएफ यूज करते हैं ज़्यादातर लोग, तो डीएफ ही हम भी लिखते हैं, डीएफ, उसके बाद डेटा फ्रेम, डेटा और फ्रेम। उसके बाद हम क्या करना है, इसको कुछ करना ही नहीं, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, डीएफ, ठीक है, डीएफ को हमने प्रिंट कर दिया, बात समझ में आ रही है। अब इसको देखो क्या दिखा रहा है, एम्प्टी डेटा फ्रेम, कॉलम भी कुछ नहीं है, इंडेक्स भी कुछ नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसका अगर हम डेटा टाइप सोचेंगे, चलो ठीक है, उसका डेटा टाइप तो हमें बता दिया था, इसका डेटा टाइप देखें तो क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा, क्योंकि डेटा टाइप है ही नहीं डेटा फ्रेम का कोई एट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने बोला आपको कि डेटा फ्रेम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है डेटा टाइप, ठीक है। ये डेटा फ्रेम है तो डेटा फ्रेम है, जो इसके कॉलम्स है ना, कॉलम्स, उसके डेटा टाइप आप चेंज आप देख सकते हो कि भाई जो कॉलम, एक जैसे मान लो कई कॉलम्स हैं, ठीक है, तो इसमें कई टाइप के डेटा टाइप भी होंगे, कहीं नाम होगा, कहीं एज होगा, ठीक है। तो उन हर कॉलम्स का क्या होगा, अलग अलग डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स का डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा डेटा फ्रेम का ही अगर हम करेंगे तो वो क्या बता देगा, ऑब्जेक्ट बता देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, अगर कॉलम हुआ तो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं, अब एक बनाते हैं हम लोग, ठीक है, अब एक बनाते हैं, अब इसके नीचे चलते हैं, ठीक है। तो डी एफ भी डी एफ वन कर लेते हैं, चलो। डी एफ वन में अब हमको क्या करना है, डेटा एक बनाना था, और जो सीधे सीधे डेटा ही बना देते हैं ना, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, क्या अलग से बनाएं, सब तो आप लोग ने देख ही लिया है अभी तक। तो इसके अंदर हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, पहला 1D डेटा ही देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रिंट इसको, ठीक है, प्रिंट करते हैं। तो डी एफ वन, तो 0, देखो इंडेक्सिंग दिखा दिया, 0, 1, 2, 3, और 1, 2, 3, 4 इसका आपका क्या है, वैल्यूज़ है। और ये कॉलम क्या दिखा रहा है, 0, यानी कि इसके आगे भी अगर आप बढ़ते चले जाओगे तो वो 0, 1, 2, 3 लेता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझो इसको, किस तरीके से, आपने कभी मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स पढ़ा है ना, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 मान लो इस तरीके की वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यू क्या हुई, ये 1 × 2 हो गई वैल्यू, मतलब 1, 2 समझो, भी समझो 1, 2 या 0, 1 जो भी समझो। तो यहाँ क्या है, 0, 0 ये है, तो इस ये 0 वाला पोर्शन क्या हुआ, 0, 0, ये 1 वाला पोर्शन क्या हुआ, 0, 1। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे ये नीचे 0 सब कुछ दे रहा है, और ऊपर क्या दे रहा है, 0 यहाँ भी, आगे जब भी आप यहाँ जाओगे तो ये 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 जितने आप कॉलम्स बनाते जाओगे उस हिसाब से आता जाएगा। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना था, ठीक है। अब जैसे हमने प्रिंट किया, ठीक है, प्रिंट, और df1.dtype, ठीक है, अब तो कुछ आ भी गया इसमें, पहले तो कुछ नहीं था, अब कुछ आ गया, तो अब देखो अभी भी है, ठीक है,
तो अब इस हमको लेकिन तो पता करना है ना कि ये क्या है इसके अंदर। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, हम लगाएंगे कॉलम्स, ठीक है। अब हमें कॉलम्स का डेटा टाइप चाहिए, तो देखो दिखा दिया इंटीजर 64, ठीक है। अभी देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम जब इंडेक्सिंग खुद की कस्टम करते हैं तो उसमें आगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि हमने एक नई स्ट्रिंग बनाई है, मतलब नया बना df2 का लेता हूँ, नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ मैं। उससे पहले मैं काम करता हूँ कि इतना समझ में नहीं आएगा, डेटा आपको डेटा एक नया से बना के उसमें लिस्ट बना लेता हूँ, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, एलेक्स लिस्ट ऑफ लिस्ट में एलेक्स, और इसके बाद कॉमा होगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो कॉमा रहेगा, उसी के साथ कॉमा यहाँ पे भी रहेगा, और दो ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। एलेक्स हो गया और चलो मैनी हो गया, ठीक है, मैनी, और इसके बाद कॉमा और 20 मान लो, ठीक है। अब हमारे पास ये एक डेटा सेट, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट आ गई। उसके बाद हमने क्या करना था, इसको देना है डेटा फ्रेम, ठीक है, जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डेटा दे दिए, अब इंडेक्सिंग तो जरूरी है नहीं, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 ही है मेरे पास। अब हमें क्या करना था, कॉलम्स देना था, कस्टम कॉलम्स। तो कॉलम्स इज इक्वल टू क्या देंगे, जो भी कॉलम हम देना चाहते हैं। तो पहला कॉलम मान के चलो नेम है, ठीक है, तो नेम हो गया, ठीक है। अब दूसरा कॉलम भी हमें पता कर मतलब देना है उसको, तो दूसरा कॉलम एज हो गया, मान लो 10, 20 ईयर्स के हैं। अब देखो अगर मैं प्रिंट करता हूँ किसको, df2 को, ठीक है, तो देखो नेम एज एलेक्स ये सब आ गया। अब देखो हम क्या करने वाले थे, हम डेटा टाइप खोज रहे हैं कब से, ठीक है। तो df2 का अगर हम डेटा टाइप खोजें कि चलो ठीक है सर df2 का डेटा टाइप देखते हैं, नहीं दिखाएगा कुछ, क्यों, क्योंकि एरर है। जैसा हम लोग पहले ही कर लिए, तो सर हमारे पास कॉलम्स वाला डेटा तो था ही, कॉलम्स लगा के देख लेते हैं, बिल्कुल लगा के देखो, ठीक है, कॉलम्स डॉट डेटा टाइप। अब इसको करोगे तो क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मिला के एक डेटा टाइप दिखा रहा है, जो कि जिसमें क्या है आपका स्ट्रिंग भी है, मतलब ऑब्जेक्ट भी है और नंबर भी है। तो ऑब्जेक्ट और नंबर अगर दोनों मिला के हो तो वहाँ पे क्या, कौन किसको वरीयता मिलती है, उसको किसको मिलती है वरीयता, ऑब्जेक्ट को। तो पूरा डेटा टाइप क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन हमको क्या करना है, हमको कॉलम्स का ना देख के, हमको देखना है कॉलम में नेम पूरा ना देख के, हमको सिर्फ देखना है एज का। तो हम एज लिख देंगे, जो भी आपने इंडेक्सिंग की है वो आप यहाँ लिख दोगे और एंटर कर दोगे, देखो इंटीजर 64 आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि हमें डेटा टाइप भी इसका चेंज करना है, तो डेटा टाइप हम इज इक्वल टू करके कौन सा देते हैं, फ्लोट दे देते हैं, चलो ठीक है। तो फ्लोट दे देंगे तो अब क्या होगा कि कुछ एरर लगेगा कि एरर दिखा रहा है, नहीं ये फ्यूचर वार्निंग है। फ्यूचर वार्निंग का मतलब कि आगे से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर पाएगा, वो ऑब्जेक्ट को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा फ्लोट में। क्यों भाई, एलेक्स को फ्लोट में वो कैसे कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको उसने क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। इसका पता यहाँ से लगा लो कि पहले जो इंटीजर दिखा रहा था अब वो फ्लोट दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डेटा फ्रेम में, रो एडिशन, रो सब्ट्रैक्शन, रो सेलेक्शन, ठीक है। मतलब कि देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कहने का मतलब कि अगर हमारे पास रोज हैं, ठीक है, तो रोज में हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई रो को सेलेक्ट करना, कोई चीज़ को ऐड कर सकते हैं रो को, या डिलीट कर सकते हैं, ठीक। वही सेम काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको हो सकता है कि डेटा सेट जो आपका मिले उसमें आप, हो सकता है कि कुछ देर बाद या फिर मान लीजिए लास्ट तक जाते जाते तुमको कुछ ना कुछ डिलीशन या एडिशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि तुम कुछ उतने ही, अब जैसे क्या है, मान लो तुम्हारे पास 10 कॉलम है, ठीक है, 10 कॉलम है। अब तुम 10 कॉलम में चाहते हो कि नहीं मेरे के जो काम की चीज़ें वो तो 5 ही कॉलम में है, बाकी कॉलम में तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि 5 को रखूँगा, बाकी 5 को क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक। नए डेटा सेट जो बनाऊंगा, नया डेटा फ्रेम तो बनाऊंगा उसमें, ये नहीं कि जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसी में से 5 आपने डिलीट मार दी, नहीं,
ठीक है, वो नहीं करना है, आप अलग डेटा फ्रेम बनाएंगे उसमें डिलीट करके लगाएंगे चीजें, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब कहते हैं कि सर चलो ठीक है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में क्या करना होगा? सिलेक्शन में सीधा सा बात है कि हमको अगर एज देखना है खाली, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, अभी कॉलम का हम लोग देखते हैं खाली कॉलम का, ठीक है। फिर उसके बाद एक साथ पहले पूरा कॉलम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक साथ रो भी देख लेंगे, ठीक है। अब हमको एज चाहिए खाली, तो हमने सिर्फ एज का इंडेक्स दे दिया, देखो एज आ गया 10 20, ठीक। इसी तरीके से अगर हमको नेम देखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेम डाल दिया, तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है। हर एक कॉलम को हमने सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग कॉलम को ऐड करते हैं। कॉलम को ऐड करने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक सीरीज बनानी होगी। अब सीरीज क्यों बनानी होगी वो देखो, सीरीज इसलिए बनानी होगी क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास दो कॉलम है, ठीक है, रो की बात यहाँ नहीं हो रही है, दो कॉलम है। अब एक कॉलम अगर आपको और ऐड करना है, तो वो क्या होगा, वो एक सीरीज ही तो होगी, ठीक है। उस सीरीज को एज ए सीरीज ही तो तुम ऐड करोगे, जो कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार करके। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, एलेक्स मैनी था। अब हमें एक कुछ अलग से इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे कौन सा कॉलम ऐड कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, तो सेक्स मेल या फीमेल होगा। तो अब इसको हम लोग ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा अब हम लोग एक नया सीरीज बनाएंगे, या तो सीरीज बना के कर दो, या तो फिर एक ही साथ उसके कॉल नए कॉलम को ऐड करते हुए सीरीज बना दो, ठीक है। अब कैसे बनाओगे, देखो df2, ठीक है, df2 के बाद कौन सा कॉलम चाहिए तुमको, मान चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके आगे तुम इसका कौन क्या क्या है सीरीज में, कौन कौन है, तो भाई pd है और उसके बाद सीरीज, ये तो जरूरी है लिखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको इसमें देना है क्या कौन सा सेक्स है, तो ये लो एल और ये लो फीमेल, ठीक है, ये लो फीमेल हो गया, ठीक है, ये हमारे पास सीरीज जुड़ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग फिर से देखो df2 को अगर हम प्रिंट कराएं, ठीक है, प्रिंट df2, ठीक है, तो देखो सेक्स जुड़ गया है आगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया एडिशन। अब डिलीशन के लिए देखो पॉप और डिलीशन मेथड दोनों होता है, लेकिन डिलीट मेथड यूज करो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो डिलीट मेथड सीधा सीधा है, डेल लिखो और किस कॉलम को तुमको डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तुमको df2, ठीक है, किसको डिलीट करना है df2 में, सेक्स को, तो xex हो गया, डिलीट हो गया। अब इसको अगर तुम दोबारा प्रिंट करो, यहाँ पे अगर तुम इसको दोबारा प्रिंट करो, तो क्या होगा, देखो सेक्स हट गया है, ठीक है। तो ये चीज है, ये हो गया आपका कॉलम एडिशन, सेलेक्शन और डिलीशन, ठीक। अब बात करते हैं यही सेम चीज रो की। अब रो के सेलेक्शन में देखो आपके इंडेक्सिंग काम आती है, कैसे इंडेक्सिंग काम आती है वो देखो, ठीक है। रो की सिलेक्शन अब हम लोग करेंगे, ठीक है। अब रो का सिलेक्शन देखो क्या है, यहाँ पे 01 है, रो तो 01 है, तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है लॉग या आई लॉग, ठीक है। अगर आप इंडेक्सिंग जो है आपकी कस्टमाइज है, तो आप लॉग यूज करो, LOC, ठीक है। मतलब कि अगर आप इंडेक्सिंग ऐसे कस्टमाइज करके दिए हुए हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉग यूज करो, ठीक। और अगर आप यहाँ पे क्या किए हो, अगर आपने इंडेक्सिंग नहीं दी है, 01 भी है, 01 जैसे अभी पिछली बार वाले में था, तो आप आई लॉग यूज करो। मतलब अगर आप इंडेक्सिंग के थ्रू करना चाहते हो, जैसे आई लॉग फिर 10 इस तरीके से, तो आई लॉग यूज करोगे, और लॉग कब यूज करोगे, जब आप ए बी इस तरीके से इंडेक्सिंग कस्टमाइज किए हुए हो, ठीक है, इन दोनों का ये ठीक, ये रोज को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप सीधे सीरीज में ही शिफ्ट करना चाहते हो, तो फिर लॉग आई लॉग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो क्या है, हमारे पास डेटा फ्रेम अवेलेबल है df2। अब हम करना चाहते हैं कि सिर्फ 1 वाला को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि 1 वाले को पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, आप आई लॉक लगाओगे, ठीक है, आई लॉक लगाओगे। तो आई लॉक के लिए अब हम क्या करेंगे बताओ, df2 है हमारे पास, प्रिंट कराते हैं इसको, प्रिंट df2 डॉट आई लॉक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आई लॉक के बाद आपको इंडेक्सिंग देनी है, तो आप मान के चलो हमने 1 दे दिया, क्योंकि 1 ही था। अब देखो यहाँ पे दे दिया, नेम है मैनी, उसका एज है 20, मतलब कि जितनी भी चीज़ें आपके 1 में होगी, मान लो इसके आगे और भी कॉलम्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे देता है,
ठीक। और देखो डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि भाई दोनों चीज ले रहा है, मैनी भी ले रहा है और 20 भी ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर इसी को आप बढ़ाना चाहो तो भाई सीधे सीधे ये ले लो 0। कहाँ तक जाना है तुमको, 2 तक जाना है, तो भाई देखो दोनों दे देगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों भाई, 0-1 इंडेक्स है, 0-1 आपको टोटल ले रहे हो, और निगेटिव इंडेक्स भी उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से नंपाई में काम करता था, -1 करोगे तो मैनी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेक्शन की, किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हो। हाँ, लॉक कब यूज करते हैं, जब यहाँ पे 0-1 की जगह आप AB लिखा होता है, जो आप कस्टमाइज करते हो, ठीक है। अब एडिशन के लिए देखो सीधा सा बात होता है, एडिशन कब कैसे होगा इसमें, एडिशन के लिए आप क्या करोगे, अपेंड एक मेथड होता है, जिससे कि क्या होगा, अपेंड का मतलब क्या हुआ भाई, जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ भी हम और जोड़ते हैं तो वो क्या होगा, मैनी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे अगर हम जोड़ना चाहें तो ये मैनी के नीचे आ जाएगा। अब जोड़ने के लिए हम करना क्या चाहते हैं, हमें एक डेटा फ्रेम और बनाना होगा। क्यों क्यों डेटा फ्रेम और बनाना होगा, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए होंगी, नेम और एज दोनों। अगर हम एक ही चीज़ देंगे तो दूसरा वैल्यू वो क्या ले लेगा, नैन ले लेगा। मतलब कि अगर अगर मेरे पास डेटा फ्रेम है, मान लो ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू, उसके नीचे एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये 0 और ये 1, अगर मेरे को दूसरा ऐड करना है तो मेरे को ये दोनों वैल्यू चाहिए, ठीक है। तभी तो एक डेटा फ्रेम, तभी तो एक रो ऐड होगा। कॉलम में क्या था कि एक चीज़ हम ऐड कर दे रहे थे, एक सीरीज हम ऐड कर दिए जिसमें कि वो अपने आप ही इंडेक्सिंग ले लिया। यहाँ पे क्या है, आपको दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी होता है कि अगर मान लो आपने एक वैल्यू दिया, दूसरा छोड़ दिया, तो वो NaN ले लेगा, नॉट ए नंबर, ठीक है। तो ये कभी पूछ देता है कि अगर मान लो कि आपने एक रो को ऐड किया, उसमें कोई चीज़ें छोड़ दी, तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो कौन सी वैल्यू आएगी, नॉट अ नंबर, यानी कि NaN भी बोल दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, आपको यहाँ पे डेटा फ्रेम ऐड करना होगा, ठीक है, डेटा फ्रेम ऐड करना होगा आपको, ठीक। और उसका इंडेक्सिंग आपको खुद बताना होगा, उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप इंडेक्सिंग वो अपने आप ही ले लेगा, नहीं, जो आप इंडेक्सिंग दोगे उसको वो लेगा, ठीक, बस समझ में आ रही है। और किस किस कॉलम पे ऐड करना है ये भी आपको बताना होगा, बस समझ में आ रही है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो दूसरा कॉलम बना देगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अभी चलो पहले ऊपर चलते हैं, कहाँ पे मैंने बनाया था, ये बनाया था, ठीक है। ये एक डेटा मैंने बनाया था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसको डेटा 1 कर लेता हूँ, ठीक है। बैलेक्स की जगह इसको ए लिख देता हूँ, इसको मैनी की जगह कैपिटल M कर देता हूँ, ठीक है। 1020 की जगह इसको 30 और इसको 40, ठीक। डेटा 1 हो गया हमारे पास डेटा 1। अब हमें क्या करना था, हमें एक डेटा फ्रेम बनाना था। देखो जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था, वो सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास यही सेम चीज़ ही है। तो अब DF2 की जगह हम क्या करेंगे, DF3 ले लेंगे बस, तो सेम ही चीज़ चाहिए ना हमें, इसलिए हम कॉपी कर रहे हैं। देखो नेम एज सेम ही है कॉलम में, ठीक है, डेटा टाइप दोनों का सेम ही है फ्लोट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वही सेम चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ, बस यहाँ पे डेटा की जगह डेटा 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करने वाले, पहले एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि है बना कि नहीं मेरे पास, ठीक है। DF3 3, हाँ DF3 तो है, देखो बन गया AM 30 40, ठीक है। और इंडेक्स क्या है, 0 1। अब हम इसको अगर हम अपेंड करें, ठीक है, उसमें क्या बनाया, मान लो DF4 मैंने बनाया, उसमें मैंने क्या किया, किस में अपेंड करना है हमको ये देखो, पहले DF2 में अपेंड करना है। DF2 में अपेंड करने का मतलब क्या हुआ, कि DF2 वाला कंटेंट क्या होगा, पहले आएगा और बाद में वो आएगा जिसको आप अपेंड करते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मतलब पहले वही आएगा जो कि आप यहाँ पहले, जैसे DF2 यहाँ लिखे हैं तो DF2 पहले आएगा, बाद में किसका डेटा आएगा, जो आप बाद में लिखोगे, जैसे DF3। अब देखो DF4 हो गया, अब देखो प्रिंट करते हैं और DF4 को प्रिंट कराते हैं, देखो इसके आगे आ गया, 0 1 ही इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। आपको इंडेक्स क्या करना होगा, यहाँ पे बदलना होगा। अब बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इंडेक्स को हम क्या करेंगे, 3 2 ना, 2,3, ठीक, 2,3 कर दिए,
अब इसको हम फिर से क्या करेंगे, रन करा देंगे। df3 को देखो रन करा दिए, तो इंडेक्स क्या हो गया मेरा, 2 3 हो गया। देखो अब आ गया 0 1 2 3। ठीक है, तो आप जो भी अपेंड करोगे वो आपको बताना होगा कि ठीक है भाई मेरे को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका इंडेक्स वैल्यू ये रहा। आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके अंदर ऐड कर देगा बस। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इसमें से डिलीट भी तो करना होगा। डिलीट करने के लिए देखो सिंपल सा एक है कि आपको जो मेथड यूज करना है वो करना है ड्रॉप। ठीक, ड्रॉप मेथड। अब ड्रॉप मेथड कैसे यूज करेंगे, तो ड्रॉप मेथड के लिए जैसे मान लो df4 है अभी मेरे पास, तो मैं कहूँगा कि df4 की जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो df4.drop, मतलब कि ड्रॉप कर दो। किसको ड्रॉप करना है, मान लो कि थर्ड हमने इंडेक्स को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, थर्ड इंडेक्स को ड्रॉप कर दिया। अब हम अगर देखो प्रिंट कराएं इसको df4 को, तो क्या होगा, देखो थर्ड इंडेक्स वाला ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप कॉलम के साथ सिलेक्शन डिलीशन और एडिशन कर सकते हो। उस वही सेम चीज़ आप किससे कर सकते हो, आप कर सकते हो रोज के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे चल के आप जब कोई डेटा सेट मिलेगा तो आप अगर पांडा से खाली एनालिसिस करना चाह रहे हो तो उसमें कई सारी मिसिंग वैल्यूज होंगी, कई सारे आपको 2 3 डेटा फ्रेम को एक साथ जोड़ना होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आपने सीख ली है। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत तरीके से डेटा फ्रेम बनता है, उसको और भी चीज़ें उसमें और भी मैनिपुलेशन कर सकते हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप देखते रहो उसको, क्योंकि उसको करेंगे तो यही डेटा फ्रेम ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको इसके आगे जो भी इसके रिसर्च करनी है तो वो आप आराम से कर सकते हो, उसके लिए पूरी छूट है। ठीक है, टाइम है तो उसका यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।